हाय एवरीवन, सो अभी इट्स 9 AM, सो मैं जा रही हूँ अभी वैक्सीन लगवाने। डबल मास्क ऑन आ रही है, मेरी मम्मी भी जा रही है मेरे साथ। कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सॉरी फॉर दैट। सो अभी फ़िलहाल मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे हैं, बट आई विल अपडेट यू गाइस सून। गुड इवनिंग एवरीवन, अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं और मैं एक्चुअली लंच करने के बाद सो गई थी। फिर मैं उठी और आज सनसेट का इतना अच्छा सा व्यू था, पूरा दिन मतलब इतना गर्मी था और फिर इतना हवा दिया शाम को, तो हम लोग वही सब एंजॉय कर रहे थे। एंड सो अभी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ आफ्टर टेकिंग दी सेकेंड डोज। फ़िलहाल तो मुझे ऐसा कुछ पेन वगैरह नहीं फील हो रहा है, थोड़ा सा हाथ में हैवी लग रहा है, शायद कल बढ़ जाएगा पेन या फिर आई डोंट नो, क्योंकि फ़र्स्ट डोज लेने के बाद मेरा हाथ में पेन था 2 दिन तक। उतना भी नहीं क्योंकि मैंने सुना है कि लोगों को और ज़्यादा पेन था और भी प्रॉब्लम्स है मुझे, या ऑब्वियसली डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट मेरे को बस यहाँ पे पेन था, अभी सा फील होता था अभी तो। और आज मुझे अभी थोड़ा सा जुकाम जैसा फील हो रहा है, यू कैन टेल फ्रॉम माई वॉइस एक्चुअली। एंड क्योंकि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हम लोग का कोविड टेस्ट हुआ था, इट्स मैंडेटोरी नाउ वैक्सीन लेने से पहले हमको कोविड टेस्ट करवाना पड़ रहा है, रैपिड टेस्ट जो है। एंड इनफैक्ट ये मेरा पहला टेस्ट था, मैंने पहले कभी नहीं करवाना, मतलब करवाने की नौबत नहीं आई कोविड टेस्ट। सो उसके बाद से मुझे मतलब कंटिन्यूसली छींक आ रहे थोड़ी देर बाद। सो इसलिए मुझे थोड़ा सा जुकाम जैसा हो रहा है, जुकाम जैसा फील हो रहा है। इसके अलावा अभी मुझे कोई और प्रॉब्लम नहीं है। एंड या और ओके, सो मैं बता रही थी कि वैक्सीन मैंने अपना कैसे बुकिंग एंड ऑल किया। तो मेरा जो फर्स्ट डोज था वो मैंने 7 मई को लिया था, और उसके लिए मैंने तो ऑब्वियसली कोविन पे ऑनलाइन रजिस्टर किया था। उसके बाद जब स्लॉट आया तो जल्दी बुकिंग कर लिया, तो लकीली मुझे जब फर्स्ट डे था 18+ का उसी दिन मिल गया 7 मई। और फिर कल मुझे मैसेज आया था, यानी कि 12 जून को मुझे मैसेज आया था कि आज 13 जून को ऐसे जाके मुझे अपना सेकेंड डोज लगवा लेना सेम सेंटर पे, और टाइम वगैरह ये सब बता दिया था। मैं दिखा दूँगी मैसेज यहाँ पे। सो
सो अभी सेकेंड डोज के लिए हमें ऑनलाइन कुछ बुकिंग नहीं करना पड़ेगा। सो ऐसे देने का फ़ायदा आई थिंक ये होगा कि किसी को लास्ट डेट का कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगा, ऐसे सीरियली देते जाएंगे। से आई होप मेरा कुछ और भी पेन वगैरह ना हो, एंड हो भी जाए तो इट्स बेटर कि हम लोग वैक्सीन ले लें। आज मैंने जहाँ पे लिया वहाँ पे भी अच्छे से सारे कोविड के जो प्रोटोकॉल्स वो मेंटेन हुए हैं, सभी ने डबल मास्किंग किए हैं, दे वर यूजिंग फेस शील्ड्स टू, एंड आज लोग भी कम थे, बहुत कम थे, क्योंकि जिन्होंने 7 मई को वहाँ पे फर्स्ट डोज लिया था बस उन्हीं को मैसेज आया था कि आज वहाँ पे सेकेंड डोज लेना है। सो आई गेस 100 लोगों ने लिया था उस दिन, तो वही 100 लोग आएंगे। मैं कोई मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूँ, सो आई डोंट नो दैट मच, बट या अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो एंड इफ़ यू आर फिट टू टेक वैक्सीन, सो यू शुड टेक वैक्सीन, यू शुड गेट वैक्सीनेटेड एज सुन एज पॉसिबल। उसके बाद भी फॉलो ऑल द प्रिकॉशंस, यूज सैनिटाइजर एंड वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली, यूज़ मास्क एंड मेंटेन द डिस्टेंस। या स्टे सेफ, टेक केयर, बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।